नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज मोशन। बेटा देखो मोशन क्या है, देखो जैसा कि बताया जा रहा है मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी मोशन। बेटा फिर से सुन लो, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी मोशन। लेकिन वो जो मोशन तभी होगा जब हम उसकी काउंटिंग किसी फिक्स पॉइंट से डिटरमाइन करें। जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, फिर बी में गया, फिर सी पे पहुंच गया, लेकिन उसका जो डिटरमाइन है यानी उसका पोजीशन का जो ऑब्जर्वेशन है हम इस फिक्स पॉइंट से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और इस फिक्स पॉइंट को कहा गया है रिफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से बताओ मोशन क्या है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट occurs when it changes their position with respect to time, मतलब समय के साथ जब कोई वस्तु अपने पोजिशन को चेंज करता है तो उस वस्तु को कहते हैं कि मोशन में है। और जो मोशन होता है हम हमेशा कंसिडर करते हैं किसी फिक्स पॉइंट से, और उस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिफरेंस पॉइंट। अब आते हैं डिस्टेंस। देखो मोशन है तो जाहिर सी बात है मोशन जब होगा तो किसी फिक्स पॉइंट से कहीं ना कहीं वो जाएगा ही जाएगा। तो जितनी दूरी तय करता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ट्रेवलिंग के दौरान उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो कैसे इसको लिखते हैं, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। फिर से सुनिए, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट और ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और ध्यान देना, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा ये इस क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या। देखो फिजिक्स में ना जैसे टाइम, मास, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन, दीज आर सेड टू बी द फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पहले स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जैसे टाइम, टाइम ना स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमें बस टाइम का मैग्नीट्यूड पता होता है, उसका डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही मास, मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मास जो है ना, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं होता है। जैसे आपका मास 50 केजी है, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो मास 50 केजी होगा, अर्थात डायरेक्शन का इसमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो मास स्केलर है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपका स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो आगे चलकर आप जानोगे ना कि जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे या तो स्केलर होंगे या तो वेक्टर होंगे। ठीक है बेटा, एक और तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको टेंसर कहते हैं, उसको अपर क्लासेस में आप डिस्कस करोगे। फिलहाल यहाँ पे हम दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी एंड एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटा, फिर से सुन लो, द स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी पे। द वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे आपकी हाइट कितनी है वो आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे अब यहां वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है। जैसे मैंने क्या कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन मैंने बताया नॉर्थ बताया वो डायरेक्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी और दोस फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये जितने भी है ना ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चल के और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस तरह से बेटा हमने फिजिकल क्वांटिटी पहले बताया गया। जैसा कि मैंने भी डिस्टेंस बताया था, व्हाट इज द डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा देखो इसका एसआई यूनिट है मीटर। एक्चुअली में ना हम तीन तरह के यूनिट पढ़ते हैं,
एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है एफपीएस यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट और एक होता है एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट, जिसको हम लोग आगे चलकर ड्राइव यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ड्राइव यूनिट का एक शॉर्टकट फॉर्म होता है जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। जैसे अभी मैं बता दूं, जैसे फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन एक्चुअली में फोर्स का जो एमकेएस यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन शॉर्टकट में हम इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो बेटा समझो, पहले एमकेएस यूनिट समझो। अगर किसी मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका मेजरमेंट हम यानी मास का मेजरमेंट केजी में करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर में करते हैं और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में करते हैं, दिस इज सेड टू बी द एमकेएस यूनिट। तो ध्यान सुनो, एम फॉर मीटर अर्थात उस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्टेंस को अगर हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड मेजर करते हैं, तो उसे आप एमकेएस यूनिट कहोगे। यह पीएस फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, अगर फुट यानी फिट होता है, यू नो दैट। अगर डिस्टेंस को अगर आप फिट में मेजर करते हो, मास को पाउंड में मेजर करते हो और टाइम को सेकंड मेजर करते हो, इट इज सेड टू बी फुट पाउंड सिस्टम, सॉरी फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस सिस्टम बोलोगे शॉर्ट में। इसी तरह होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसे सीजीएस सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तीन सिस्टम जानोगे, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। बेटा हम लोग में ना मोस्टली एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम दोनों में से कोई एक या सबसे ज्यादा एमकेएस सिस्टम का ही हम लोग यूज करते हैं। आगे क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि ये सब के सब यूनिट जब भी हम किसी क्वेश्चन को लगाएंगे तो यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट उसका एसआई यूनिट लिखो, या तो उसको एमकेएस में लिखो। एमकेएस का मतलब जिसमें डिस्टेंस मीटर में होगा, मास केजी में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा, नहीं तो सीजीएस में लिखो, इट मींस दैट डिस्टेंस सेंटीमीटर में, जहां डिस्टेंस होगा उसको सीएम में रखेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एमकेएस का तो कोई रूल नहीं है, अभी तक तो हमने ऐसा कोई सवाल नहीं लिखा कि जिसमें डिस्टेंस को फीट, मास को पाउंड और समय को सेकंड में मेजर करते हो, ठीक है ना। एक चीज देखो, तीनों सिस्टम एक चीज कॉमन है, टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर किया जा रहा है। फिलहाल जब न्यूमेरिकल्स आप पढ़ोगे तो आप समझोगे, वैसे आप पढ़ चुके हो, रिवाइज करो तो आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हो गया डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डिफिनेशन कैसे करते हो, देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और वो मूव किया बी पे पहुंच गया डायरेक्ट, तो ए से बी तक जाने के कई तरीके, एक तरीका ये होगा, एक तरीका ऐसे होगा, एक तरीका स्ट्रेट होगा, एक तरीका ऐसे होगा, इतनी देर नंबर ऑफ वेज है जाने के, ए से बी तक जाने में। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वह दूरी होगी जो ए और बी, जो इनिशियल पोजिशन आप ऑब्जेक्ट है, बी इज द फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट है, उनके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बस ये है, डिस्टेंस जो होता है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन टू द ऑब्जेक्ट होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो लेंथ को मेजर करता है उसका यूनिट एमकेएस सिस्टम में मीटर होता है, मतलब एमकेएस बताया था ना, दूरी को मीटर में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो आप समझ लो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी पहले बता दिया। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बेटा बहुत सिंपल होता है, यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट जो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, वो कार हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, एनीबॉडी विच इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
that it is said to be the uniform motion. फिर सुनो, if an object is moving equal distances in equal interval of time, that it is said to be uniform motion. जैसे for example, मान लो एक object है एक सेकंड में 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में, ठीक है, फिर 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, इस तरह से हम देख रहे हैं क्या है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा बेटा, जब यूनिफॉर्म मोशन की हम जब बात करते हैं ना, तो जब उसका ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, टाइम वर्सेस डिस्टेंस में, देखो डिस्टेंस का जो नोटेशन है वीएस है, टाइम का नोटेशन टी स्मॉल टी है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ना, उस इस तरह से मिलता है, इधर में स्ट्रेट लाइन मिलता है, ध्यान देना, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस सेट टू बी टाइम एक्सिस एंड वाई इज सेट टू बी डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन होता है कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप ग्राफ ऐसे ही बनाओगे, आप सिंपली जो है टाइम एक्सिस को एक्स एक्सिस पर रखना और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखिएगा, और ये जो ग्राफ ओरिजिन से जो पास करेगा, जो एंगल कुछ बनाते हुए रहेगा, दिस कुछ एंगल बनाते एक्यूट एंगल बनाइएगा, ये जो ग्राफ होगा इट इज इट डिनोट्स द यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा इसका उल्टा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time, ध्यान सुनना, if an object covers unequal distances in equal interval of time, then this motion is said to be non-uniform motion. मतलब समझो, मान लो कि ये equal interval time, जैसे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, ठीक है ना, तो अब ये time है, तो कोई object 1 सेकंड में मान लो गया 4 मीटर, next अगले सेकंड है अर्थात दूसरे सेकंड में गया 6 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में या 15 मीटर, तो आप क्या देख रहे हो, हर बार जो डिस्टेंसेस है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि या तो बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे, मतलब चेंज होगा, कांस्टेंट में नहीं चेंज होगा, वेरिएबल के फॉर्म में चेंज होगा, तो ऐसे मोशन को कहोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर सुन लो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान देना अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब तुम ग्राफ बनाते हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, इसका ग्राफ एट रैंडम आपका जैसा बनाइएगा, मतलब कुछ भी बना दीजिएगा, लेकिन स्ट्रेट मत बनाना, इट इज सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना ये है क्या, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये जो कर्व वाला ग्राफ है इट इज रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह से बेटा आप समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन बार बार आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो आप एक कॉलम में कुछ लिख सकते हो, इधर डिस्टेंस लिखो इधर डिस्टेंस, तो पहला तो डिफरेंस है, तुम दोनों का डिफिनेशन हो गया, तो आप दोनों डिफिनेशन लिख देना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सेकेंड डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया, ठीक है, ये दो मोस्ट जो है। और दूसरी देखो, तीसरी बात ये देखो, डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो स्केलर है, तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से ध्यान देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बेटा अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछता है ना अप्रोक्सीमेट, तो जैसे कि देखो, जैसे कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, ये क्या एक से कम होता है, जैसे मान लो डिस्टेंस की वैल्यू 1 है और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो 1 या 1 से कम होगी, अर्थात इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी ना, तो कम से जब भाग दोगे तो जब वैल्यू बढ़ी आएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, मतलब ये समझो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा है देखा जाए, तो कहोगे डिस्टेंस ही बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, आप बताइएगा सोच करके, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या 1 से ज्यादा होगी, क्या 1 से कम होगी, आपका जवाब मुझे दीजिएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा भी सोच लीजिएगा, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा, ठीक है, आप सोच के बताइएगा।
बेटा अब देखो स्पीड क्या होता है, फिर हम वेलोसिटी। सबसे पहले देखो स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड का पहले डिफरेंशिएशन समझ लो। स्पीड, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका जो फार्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, स्पीड कहलाती है। इसको ऐसे समझो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या कवर्स अ डिस्टेंसेस, ठीक है ना, इन वन सेकेंड, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक है ना। तो एक सेकंड में किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, मीटर, टाइम पर सेकंड, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एंड फार्मूला इज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड ऑल्सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा इस तरह से स्पीड का डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। अब आता है वेलोसिटी, ध्यान दो वेलोसिटी, बस इतना ही करना कि द डिस्प्लेसमेंट, उसमें था डिस्टेंस, इसमें था डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड इज सेड टू बी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेयर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या इसको ऐसे बोलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन इन वन सेकेंड, अर्थात किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी होती है एक सेकंड में वही उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। बेटा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ध्यान देना बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर इतना अंतर है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा अब ये तो समझ में आई गया, अब स्पीड और वेलोसिटी क्या है। अब एक्सेलरेशन देखो, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अर्थात एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको ऐसे समझो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होती है 15 मीटर पर सेकेंड। 10 से 15 कितना चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लो, एक्सेलरेशन को डिनोट करते इस माने से, ये होता है फाइनल वेलोसिटी अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, where v, small v is the final velocity, use the initial velocity which is the time taken, and it is denoted by small a, and its SI unit is meter per second square, ध्यान देना meter per second square, and acceleration is a vector quantity, not a scalar quantity, it is a vector quantity, ये भी जान जाओ, ये सब पूछा जाता है। अच्छा एक और बेटा, ये vector quantity है तो acceleration ना तीन प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक होता है positive acceleration, सेकेंड होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम ना रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों ना व्याख्या करना, निगेटिव एक्सेलरेशन ऑब्लिक रिटार्डेशन ऑब्लिक डी एक्सेलरेशन, एंड थर्ड इज द जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो कब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो, वी माइनस वी इक्वल पॉजिटिव हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वही चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होता है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जा रही है हर समय पर सेकेंड, मतलब समय के साथ वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, अर्थात उसका इनिशियल और फाइनल जब सेम होगा, उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा जीरो एक्सेलरेशन कब हो सकता है पूछा जाता है, तो जीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो ना
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, अर्थात समय के साथ उसके वेलोसिटी में कोई अगर चेंज नहीं हो तो वहां पे जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती हो, कम हो रही हो समय के साथ, विद इंक्रीजिंग ऑफ टाइम। एंड जीरो एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर इक्वल टू ईच अदर, देन इन सच कंडीशन एक्सेलरेशन शिफ्ट टू बी जीरो एक्सेलरेशन। बेटा इस तरह से मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके सेकेंड पार्ट में थोड़ा हम और रिवाइज करें। बेटा स्पीड में एक और टॉपिक आता है, इट इज सेड टू बी द एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। इट मीन दैट मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जिसे एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, पहले डिफिनेशन समझो, फॉर्मूला समझो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ये समझो एक कार है, पहले एक पोजिशन पे था, ए से बी गया, बी से सी गया एंड सी से डी गया। ए से बी तक जाने में कुल तय की गई दूरी एस वन है, बी टू सी के लिए डिस्टेंस जो है एस टू है, एंड सी टू बी के लिए जो डिस्टेंस है वो एस थ्री है। द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इट इज टी वन, द टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज टी टू, एंड द टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी इज टी थ्री। देन इन सच कंडीशन द एवरेज स्पीड, वी के ऊपर बार लगा दो, इसका नोटेशन द वी फॉर स्पीड और उससे बार लगा दोगे, दैट इज सेड टू बी एवरेज स्पीड, इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अर्थात एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। बेटा ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इसको मान लो भूल जाओ सेकंड केस में, एंड ए टू बी के लिए टाइमिंग टी वन है, फ्रॉम बी टू सी का टाइम टी टू है, उस सच कंडीशन द एवरेज स्पीड इज गिवन एज एस वन प्लस एस टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं। बेटा ऐसे एक एवरेज वेलोसिटी होता है, कंफ्यूज मत होना, एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ये समझ लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अर्थात इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, देन u से v हुआ ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? इट इज वेरी इजी, u प्लस v अपॉन 2, अर्थात v कैन टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ यू एंड बी। यू और बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थात यू प्लस बी बाई टू होगा, वो डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा? एवरेज वेलोसिटी। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कंफ्यूज करता है, कहेगा एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 10 प्लस 20 अपॉन 2, क्योंकि वेलोसिटी रहेगा तो u प्लस v बाई टू होगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इट मींस दैट s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 और s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, एंड द एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v अपॉन 2, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। इट मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इस तरह से बेटा ये हमने बताया। इसमें एक और टॉपिक आता है, क्या टॉपिक है? जैसे मतलब ग्राफ समझाते हैं आप लोगों को ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्चुअली में ग्राफ तीन तरह के आप पढ़ोगे, लेकिन क्लास नाइन में दो ही तरह है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और सेकेंड इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड सेकंड वन इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑब्लिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसकी स्टडी को हम लोग करते हैं। तो आई थिंक आपको रिवाइज कर रहे हैं बेटा, हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको रिवीजन करा रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अस स्टार्ट। एज यू नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन एंड ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे किस तरह से। लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंड आफ्टर सम टाइम्स इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज a, देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन यू नो दैट
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी एक्सीलरेशन एंड वी रिमेंबर ड्यूरिंग द मोशन द एक्सीलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट इट मीन दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ओके तो ध्यान देना बच्चों आप स्टार्ट करोगे एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से क्या होता है एज यू नो दैट एक्सीलरेशन इज यूनिटेड बाई ए एंड इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity per unit time. It means that acceleration a is equal to change in velocity upon time taken. Or a is equal to change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time taken और a is equal to v minus u upon t by using cross multiply भी है at is equal to v minus u और v equal to होगा आपका u plus at so this is our required first equation of motion okay now second equation of motion जो होता है x equal to ut plus half at square तो बेटा देखो कैसे करते हैं मैं यही change कर रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड विच इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा नोटेशन वही है वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ए इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस टी इज द टाइम टेकन एंड एस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम टी इट मीन टी समय में चली गई दूरी ओके तो इसको कैसे प्रूव करते हैं समझते बेटा इसको सबसे पहले आप डिफिनेशन दोगे स्टेट लिखोगे लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए एंड इट्स वेलोसिटी एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड एट द टाइम टी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एस क्या हमने बोला हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तथा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ए है और ये जो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तथा t समय पर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या है s है और ये भी मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v ध्यान दो बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तथा t समय पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पहुंच गया मान लो पहले इस पॉइंट पे था a पॉइंट पे था ये ऑब्जेक्ट अब ये b पॉइंट पे चला आया जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और इस दौरान t समय गुजर गया और चली गई जो दूरी होगी वो s मान लिया तो आप क्या देख रहे हो आप ये देखते हो ना u से v हुआ एक्चुअली u से v जो हुआ तो a से v तक जाने में वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहां पे हम वेलोसिटी अगर डिटरमाइन करते हैं तो मुझे एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ेगा क्यों एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ेगा क्योंकि बेटा u और v में ना वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली यू इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है क्योंकि u से v हो रहा है इट मीन्स दैट इस पूरे मोशन के दौरान जो वेलोसिटी जब हम लेंगे तो एवरेज लेंगे तो ध्यान देना हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी पहले लेकर चलते हैं उससे पहले आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या लिखेंगे लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u एंड एट द आफ्टर टाइम t इट्स अ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम t इज s सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू तो एवरेज वेलोसिटी पहले लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जिसको बेटा हम वी बार से डिनोट करेंगे क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू इनिशियल वेलोसिटी मैं डायरेक्ट नोटेशन में लिख रहा हूं यू प्लस बी अपॉन टू ऑल्सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी सिंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड In time t is क्या है yes है yes माना ना therefore s is equal to distance equal to क्या होता है actually आपने पढ़ा था speed is equal to distance upon time पढ़ा था बेटा ना तो यहाँ पे जो speed को हम velocity कह रहे हैं तो इस तरह से speed is equal to distance upon time है it may be written as velocity into time ध्यान देना स्पीड यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो इट मे बी रिटन एट वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो आप एक्चुअली यहां वेलोसिटी नहीं है बल्कि क्या है एवरेज वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन
इनटू टाइम टेकन, इसको नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू होगा वी बार इनटू टी। अब ध्यान दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बार, यू नो दैट यू प्लस वी अपॉन टू, सो एस इक्वल टू होगा यू प्लस वी अपॉन टू इनटू टी। बेटा जैसे आप देख रहे हो ना डेरिवेशन में, डेरिवेशन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, तो आप क्या करो एलिमिनेट करो फाइनल वेलोसिटी भी, कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, एज यू नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80, तो वहां से v इक्वल रखो क्या u प्लस 80, दोनों में एज कर रहा हूं, आप पास बटन यूज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू अब होगा u प्लस 80 डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आप यस इंटू टू को लिखो, मल्टीप्लाई कर दो टू यस, इट बिकम्स टू यस, यू प्लस यू बेटा क्या आएगा टू यू एंड प्लस 80 इंटू वन टी। एक काम करो और सिंप्लीफाई कर देना, इट मे बी रिटन टू यस इक्वल टू टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर आफ्टर मल्टीप्लाई की भी है, so this implies s equal to 2ut plus 80 square divided by 2, अगला करो 2ut upon 2 gives ut plus and 80 square upon 2 gives ऐसे लिखो half 80 square, तब क्या देख लो it gives s equal to ut plus half 80 square, अर्थात ये हमारा proof हो गया, this is said to be the second equation of motion, ठीक है बेटा, इस तरह से proof हो गया। अब बेटा ना अब हम लोग ना डिराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखते हैं मैं यहीं पे इसको अरेंज करके थर्ड लिख देता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि क्या होता है देख लो आप इसको मैं अरेंज कर देना, आप पॉज बटन यूज कर बेटा इसको नोट कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। हाँ इसमें जो की पॉइंट मैं बता दूं, इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी लेकर चलना होगा, ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, बेटा कैसे प्रूफ करते हैं इसको देखो, देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे अभी क्या होता है ये देखो, ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Which is v equal to u plus 80. This is equation number second. But एक काम करो, जो प्रूफ करना है वी है यू है ए है यस बट टी नहीं है, एक काम करो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से टी निकालो और टी के बाद इक्वेशन वन रख दो और करके लिखो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, इस बात को याद रखिएगा, हाउ टू नो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो बी रिमेंबर लुक हियर वी हैव टू प्रूफ v square is equal to u square plus 2s. Here we see that there is no t. यहाँ कोई time नहीं रखा है. It means that we have to use यहाँ से t का इस्तेमाल करके question first वाले की. मतलब ये trick है, आप t के value को हटाइए यहाँ से, ठीक है? तो रखो, लिखेंगे putting the value of t in the equation number first. तो आप रखिएगा, statement में लिख दे रहा हूँ, इसको मैं erase कर सकता हूँ. Putting the value of t in the equation number first. Then we have, अर्थात हम देख सकते हैं from first. बेटा आप देखो, yes, u t की जगह लिखो v माइनस यू अपान ए फिर प्लस हाफ ए और t की जगह लिखो v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये t है ना t स्क्वायर होगा इट मींस दैट v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं देखो s इक्वल टू u तो वही है v माइनस यू वही है डिवाइडेड बाय a बेटा वही रहेगा प्लस 1 बाय 2 इंटू ए अर्थात ए अपॉन टू लिख दो ए अपॉन टू इंटू इसको ऐसे लिखो वी माइनस यू का होल स्क्वायर एंड द ए स्क्वायर, अब देखो क्या होगा बेटा देखो ए से कैंसिल ना सो इट गिव्स यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस इट गिव्स वी माइनस यू होल स्क्वायर ए से कैंसिल हो ए बचा तो टू ए होगा, अब ध्यान से देखो इन दोनों में ना वी माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले लो और प्रैक्टिस करो, सो इट बिकम्स यू यहां से यू आएगा
यहां से भी माइनस यू अपन ए रह गया, एक भी माइनस यू बचा और क्या बचा, टू बचा। अब चेक कर लेना, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, वी माइनस यू अपन ए, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा वी प्लस यू अपन ए, देख लो, टू यू प्लस वी माइनस यू होल डिवाइड बाई टू, चेक कर लो आप, टू यू प्लस ब्रैकेट खोल दो वी माइनस यू अपन टू, ये क्या देगा, टू यू में से एक यू घटेगा तो यू आएगा ना, इसको ऊपर की एक दूर अरेंज कर देना, क्रॉस बटन यूज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सो इट बिकम्स एस इक्वल टू, बेटा देखो क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन ए, बेटा पहले वी को लिख लो, वी प्लस टू यू माइनस यू गिव्स यू अपॉन टू, दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू, ध्यान दो, वी माइनस यू टू वी प्लस यू, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन टू ये होगा, या और करके लिखो, टू ए एस इक्वल टू होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट अस स्टार्ट सेम प्रॉब्लम, इट मीन द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन by using graphical method, and it is very important from the examination point of view. In every examination in your physics, I think second equation of motion and the first equation of motion, in those beta जरूर एक कोई ना कोई एक आता है by using graphical method, ठीक है, आपको दोनों तैयार करने होंगे, ठीक है।